लखनऊ में नगर निगम साफ सफाई को लेकर लगातार दावे कर रहा है, लेकिन निगम के ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क किनारे डंप हो रहे कूड़े को लेकर नगर निगम को एनजीटी ने फटकार लगाई, लेकिन निगम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं एक बार फिर एनजीटी ने नगर निगम को फटकार लगाई और हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा। सड़क किनारे पड़ रहे कूड़े को लेकर एनजीटी और हाईकोर्ट ने भी अब नगर निगम को फटकार लगा दिए, जिसके बावजूद नगर निगम किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहा। हम आपको बता दें, इस टाइम पे हम मौजूद हैं खदरा रोड के ऊपर। ये आप देख सकते हैं रोड के ऊपर, बीचम बीच रोड के ऊपर जो कूड़ा डंप है, किस तरह से जो लगातार जो परेशानी है वो लोगों को बनी हुई है। वहीं एनजीटी ने इससे पहले भी एक बार नगर निगम को फटकार लगाते हुए 31 दिसंबर तक का समय दिया था और कहा था कि रोड किनारे जो कूड़ा पड़ रहा है उसको डंपिंग ग्राउंड तक के पहुंचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया और एनजीटी के आदेश को ताक पर रख दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के ऊपर कितनी बड़ी मात्रा में जो कूड़ा पड़ा हुआ है। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और एनजीटी और हाईकोर्ट दोनों के ही आदेश को नगर निगम नहीं मानने को तैयार है। लखनऊ से लाइव टुडे के लिए तबरेज़ का दिलबाश। अलीगढ़ के रसलगंज में जगह जगह फैला कूड़ा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मामला वार्ड नंबर 42 का है, जहां सड़क पर ही डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार सुध लेने को तैयार नहीं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा उठाने भी नहीं आते। समस्या डेली की है, यहाँ पे कूड़ा ऐसे नहीं था, पड़ा रहता पूरे दिन। कई दफ़े कंप्लेन भी करी, एक MNA कंट्रोल ग्रुप भी बना था, उस पर भी कंप्लेन करी, लेकिन यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दो चार दिन कूड़ा जल्दी उठता है टाइम से, उसके बाद नहीं उठता। अब पूरे सराय रहमान का पॉइंट यहाँ बना रखा है, यहाँ तक शिवपुरी तक का कूड़ा आता है, कोई कहने वाला नहीं है। समस्या से भी गा सबसे गांव तो कह के थक गए, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट की परेशानी, कितना कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।